नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, रीट 2022 के लिए हिंदी के 100 टेस्टों की सीरीज चल रही है। देखिए, यहां पर आपके पेपर नंबर 56 आज आपके लिए लेकर आया हूं। हिंदी के 30 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए रहेंगे। साथियों, 30 में से 30 अंक अर्जित करने के लिए यदि आप ये 100 टेस्ट अटेंड करते हो तो निश्चित रूप से आपके अंदर वो एबिलिटी पूर्ण रूप से आ जाएगी साथियों, जो कि 30 में से 30 आप सही अंक कर सको। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपके, कौन सा शब्द शुद्ध है? भयभीत, चिड़ीमार, अनुदित और अभ्यारण्य। इसमें से शुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। साथियों, 3 शब्द यहाँ पर अशुद्ध है और 1 शब्द यहाँ पर क्या है, शुद्ध है। तो भयभीत जो शब्द है, भयभीत को इस प्रकार से लिखा जाता है, यहाँ भय में छोटी की नहीं बड़ी की मात्रा लगेगी। अभ्यारण्य भी गलत है, अभ्यारण्य है साथियों। तो चीड़ीमार और अनुदित, साथियों अनुदित बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध शब्द है। पहले प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं, तो दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, खिलाड़ी सवाई मानसिंह स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे, इस वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो देखो, दूसरे प्रश्न में सही आंसर का चुनाव कीजिएगा, कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा साथियों। तो राइट आंसर देख लेते हैं, खेल रहे थे मतलब पहले, तो भूतकाल का उदाहरण है, लेकिन चारों ही विकल्प यहाँ पर भूतकाल के हैं। अब यहाँ पर खेल रहे थे क्रिया पूर्ण नहीं हुई है भूतकाल में, अतः ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है साथियों। तो दूसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द बिना प्रत्यय से निर्मित है? बाघिन, हिरनी, नातिन और बहिन। तो उस स्त्रीलिंग शब्द का आपको चयन करना है जिसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बिना प्रत्यय के निर्मित है, मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 3 में आपके जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर बागिन, हिरनी और नातिन, तीनों में ही यहाँ पर साथियों प्रत्यय है, लेकिन बहिन जो शब्द है इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बल्कि ये एक मूल शब्द है, इसलिए तीसरे प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न नंबर 4, चाणक्य ने कहा कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, यह वाक्य है। तो ये एक साधारण वाक्य है, या फिर ये एक संयुक्त वाक्य है, ये एक मिश्र वाक्य है, या एक प्रश्नवाचक वाक्य है। तो प्रश्न नंबर 4 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प इसका सही उत्तर होगा साथियों। क्या कहा चाणक्य ने कि विनाश काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है, कि से वाक्य, यहाँ पर दोनों वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, कि, और जब दो वाक्यों के बीच में कि शब्द आ जाता है तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वहाँ पर आपके मिश्र वाक्य होगा साथियों। कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भी कई सारे उदाहरण दे रखे हैं पिछली परीक्षाओं में की वाले, तो की वाला जो अगर आप देख सको तो की शब्द आते ही आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य करना है दोनों वाक्यों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? वर्षा, पेड़, कथा और हस्ताक्षर। तो इसमें से उस शब्द का चयन कीजिए जो सदैव किसमें प्रयुक्त होता है, बहुवचन में। प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। देखो, जो वर्षा, पेड़ और कथा शब्द है, ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होते हैं, लेकिन जो हस्ताक्षर शब्द है ये सदैव किस में रहता है साथियों, बहुवचन में रहता है। तो विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 5 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6, क्यों प्रश्न संख्या 6 है आपके, आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, इस वाक्य में उद्देश्य है। आगरा, ताजमहल, स्थल और दर्शनीय। देखो, मैंने आपको अच्छी तरह से बता रखा है उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है, कर्ता से लिया जाता है। तो साथियों, यहाँ कर्ता क्या है आपको ये बताना है, उद्देश्य क्या है इसमें।
तो आगरा, ताजमहल, स्थल या दर्शनी, चारों विकल्पों में से आपके ताजमहल यहाँ पर क्या है साथियों, उद्देश्य या कर्ता है। क्यों? कर्ता मतलब जिसके बारे में कहा जाता है। अब किसके बारे में कहा जा रहा है? ताजमहल के बारे में कहा जा रहा है, ना कि आगरा के बारे में, क्योंकि ताजमहल दर्शनीय स्थल है, तो फिर ताजमहल क्या है? उद्देश्य रहेगा। विकल्प नंबर आपका 2 6 प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे साथियों। आपके सातवां प्रश्न है, अपमानित शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय अपमानित शब्द में लगा हुआ है? तो तय प्रत्यय लगा हुआ है, इत प्रत्यय लगा हुआ है, नित प्रत्यय लगा हुआ है या मानित प्रत्यय लगा हुआ है। साथियों अपमान शब्द का हम विश्लेषण करके देखते हैं। देखो अपमान शब्द का निर्माण अप प्लस मान प्लस इत, इससे अपमानित शब्द बना है। इत इसमें प्रत्यय है, अप इसमें उपसर्ग है और मान शब्द मूल है। अतः साथियों अपमानित शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इत प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आठवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 8, सर्वनाम पदबंध नहीं है, इमारत पर खड़ी कोई झांक रही थी, इतनी फुर्ती बताकर आपने छात्र की जान बचा ली, किस्मत के मारे कब तक प्रयास करोगे, राधा कृष्ण से छुप छुप कर मिलती है। तो जिस विकल्प में सर्वनाम पदबंध नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 8 में करना है। साथियों अगर हम देखें इमारत पर खड़ी कोई झांक रही थी, तो कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है, तो बिल्कुल ये एक सर्वनाम पदबंध है। इतनी फुर्ती बताकर आपने छात्र की जान बचा ली, आपने शब्द सर्वनाम है तो ये भी बिल्कुल सर्वनाम पदबंध है। किस्मत के मारे कब तक प्रयास करोगे या राधा कृष्ण से छुप छुप कर मिलती है, तो साथियों यहाँ पर जो चौथा विकल्प है राधा कृष्ण से छुप छुप कर मिलती है, ये सर्वनाम पदबंध में नहीं आएगा। आठवें प्रश्न में चौथा विकल्प सही रहेगा आपके। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए नौवां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछा जा रहा है? कान फूकना मुहावरे का अर्थ है, चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना और दीक्षित करना। देखो कान फूकना मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या सही अर्थ रहेगा? प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर बताइए। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 में जो आपके सही उत्तर रहेगा, जो कान फूकना मुहावरा है इसका सही अर्थ होता है दीक्षित करना। क्या होता है? दीक्षा देना या दीक्षित करना या सिखाना। बिल्कुल चौथा ही विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 है, अशुद्ध संधि विच्छेद है, सरह प्लस जय सरोज, अत प्लस एव अतएव, निह प्लस गुण निर्गुण, निह प्लस धन निर्धन। तो जो आपको अशुद्ध संधि विच्छेद इसमें लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 10 में करना है साथियों। देखो सरह प्लस जय से सरोज शब्द बनता है, विसर्ग संधि हो रही है, निह प्लस गुण से निर्गुण बनता है, निह प्लस धन से निर्धन बनता है। इन तीनों में ही विसर्ग संधि है, लेकिन अतः प्लस एव होता है साथियों। क्या होता है? अतः प्लस एव, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो अत एव जो शब्द है इसमें विसर्ग आना चाहिए था अत के बाद में, ठीक है। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 11वां प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके रिक्त स्थान है, जिसकी पूर्ति करनी है, दायरे के अंदर आता है, संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत, भौगोलिक दायरे के अंतर्गत, विद्यालयी दायरे के अंतर्गत और भावनात्मक दायरे के अंतर्गत। तो देखो 11वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? बालक की उम्र है 3 साल साथियों। अब आप उससे किसी ऐसे विषय पर बात कर रहे हो जो साथियों उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता है, तो आप आराम से जो मतलब जो चीज़ वो जानता है, बिल्कुल संज्ञानात्मक वाला जो पहला विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 11 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 12वां प्रश्न,
मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है सतही ढंग से पाठ को खत्म करना, गहन अर्थ ग्रहण करना, बिना किताब खोले पढ़ने की कुशलता विकसित करना और शांति के साथ पढ़ना। तो जो मौन पठन, मन ही मन में जो हम पठन करते हैं साथियों, उसको कहा जाता है मौन पठन। और इसका मुख्य उद्देश्य शांति के साथ पढ़ना नहीं बल्कि गहन अर्थ ग्रहण करना होगा। क्या होगा? गहन अर्थ ग्रहण करना, मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ करके पढ़ना। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 12 में सही है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण, बोलने में आत्मविश्वास, मौलिक विचार और स्पष्टता। तो देखो प्रश्न संख्या 13 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। यहाँ पर जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में साथियों मौलिक विचार, बोलने में आत्मविश्वास, शुद्ध उच्चारण और स्पष्टता, चारों ही विकल्प यहाँ पर एक जैसे लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। तो साथियों छोटे बच्चों के लिए तो शुद्ध उच्चारण ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रथम विकल्प आपके सही है 13वें प्रश्न में। भाई उसकी एज थोड़ी बढ़ जाती है तो फिर वहाँ मौलिक विचार बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पर छोटे बच्चे हैं साथियों, अतः यहाँ पहला विकल्प जो है हम उसको सही करेंगे। इस प्रश्न के लिए कमेंट कर सकते हो क्योंकि चारों ही विकल्प ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। अपने अपने विचार बता सकते हो, बाकी मैं जाऊँगा प्रथम विकल्प पर। साथियों प्रश्न संख्या 14 पे हम आते हैं। तो 14वां प्रश्न है सुनना बोलना कौशल के विकास के लिए, सुनना भी और बोलना भी, सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है? तो विकल्प है कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, दूसरा है कविता याद करवाना और बुलवाना, तीसरा है कक्षा के कुछ बच्चों द्वारा पाठ के अनुच्छेद पढ़कर सुनना, और चौथा है अंत्याक्षरी गतिविधि का आयोजन करना। तो 14वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए सुनना कौशल भी होना चाहिए और बोलना कौशल भी विकसित होना चाहिए। तो अगर हम कहानी कहेंगे साथियों, पहला विकल्प सही है या क्यों है? अगर हम कहानी कहेंगे तो कहानी कहने पर क्या होगा, बच्चे उसको सुनेंगे तो कौन सा कौशल विकसित होगा? श्रवण कौशल। और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानेंगे, प्रतिक्रिया बोल करके देंगे तो उससे बोलना कौशल भी विकसित होगा। अतः प्रथम विकल्प सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रश्न नंबर 14 में, इसलिए प्रथम विकल्प ही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15, भाषा शिक्षण का संप्रेषण परक उपागम, पहला विकल्प भाषिक संरचनाओं की जानकारी पर बल देता है, दूसरा है संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है, तीसरा है मातृभाषा प्रयोग का निषेध करता है, और चौथा है बोलना कौशल पर बल देता है। तो 15वें प्रश्न में आपसे संप्रेषण परक उपागम के बारे में पूछा गया है कि भाषा शिक्षण का जो संप्रेषण परक उपागम है ये किस पर बल देता है। तो साथियों संप्रेषण उपागम संदर्भ में भाषा प्रयोग की कुशलता पर बल देता है कि जिस भी संदर्भ में हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो भाषा प्रयोग कैसा हो, कुशलता के साथ हो। साथियों विकल्प 2 आपके प्रश्न 15 में सही है कि संप्रेषण में हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, इसलिए सेकंड विकल्प ही 15वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 16 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार करना, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार करना और भाषिक नियम पर अधिकार करना। बहुत ही अच्छे क्वालिटी वाले प्रश्न हैं। मैं कह रहा हूँ कि 100 टेस्ट करके तो देखिए कितना मजा आएगा साथियों। क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे आपके अंदर, वो चीज़ विकसित हो जाएगी जिससे आप तुरंत क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे सकते हो। तो देखो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा की क्षमता का यदि हमें विकास करना है तो इसका जो सबसे सही और जब सबसे सटीक जो अर्थ होता है वो है साथियों भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार करना। क्योंकि यहाँ पर प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है, बच्चे यदि भाषा प्रयोग करने की कुशलता पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो अपने विचारों को सही ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं साथियों, इसलिए सेकंड विकल्प ही 16वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो 17वां प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना,
भाषा प्रयोग में अति शुद्धवादी होना, व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना और व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। तो साथियों 17वें पृष्ठ में राइट आंसर बताना है। देखो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य, बच्चों को व्याकरण का ज्ञान जो हम देते हैं यहाँ पर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों राइट आंसर है आपके विकल्प नंबर एक, भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना ही व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। शुद्धवादी होना ठीक है, अति शुद्धवादी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए प्रथम विकल्प ही आपके 17वें प्रश्न में सही है। आपने देखा होगा जब हम बोलते हैं तो हम अगर पूर्ण रूप से अपनी बात को हिंदी में ही कहें तो प्रत्येक शब्द हिंदी में सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा साथियों, तो ये चीज़ होती है। प्रथम विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है कि जो हम भाषा प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्याकरण का ध्यान हमें रख करके भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यही व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि परिभाषा याद करना, तत्वों की सूची बनाना, इसलिए थोड़ी व्याकरण पढ़ाई जाती है साथियों। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे, यहाँ प्रथम विकल्प ही आपके सही है। तो 18वां प्रश्न, काव्य शिक्षण में प्रयोग आने वाली विधियों में यह विधि नहीं है, भाष्य एवं तुलना विधि, समीक्षा विधि, प्रयोग विधि और टीका विधि, तो इनमें से काव्य शिक्षण में कौन सी विधि प्रयोग में नहीं आती है साथियों? 18वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। देखो काव्य शिक्षण में हम टीका, समीक्षा, भाष्य और तुलना इन विधियों का प्रयोग करते हैं, किंतु प्रयोग विधि का जो प्रयोग है, प्रयोग विधि का जो प्रयोग है वो व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत किया जाता है साथियों। आपके विकल्प नंबर 3 प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके प्रश्न नंबर 19, एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पढ़ाया जाए, कंप्यूटर से पढ़ाया जाए, व्याख्यान विधि से पढ़ाया जाए और क्रिया विधि से पढ़ाया जाए। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक किससे सीखेगा साथियों? 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखो व्याख्यान विधि तो सबसे कमजोर विकल्प है इसका, इसलिए आपका आंसर ये नहीं होगा। अब बालक सबसे अधिक तब सीखेगा साथियों, कंप्यूटर पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, कंप्यूटर या क्रिया विधि, तो इसमें राइट आंसर है चौथा विकल्प, जब उसको क्रिया विधि से पढ़ाया जाएगा तो वो सर्वाधिक ज्ञान ग्रहण करेगा, क्योंकि करके सीखना, खुद अनुभव करेगा उस चीज़ को साथियों वो। यहाँ पर विकल्प 4 ही 19वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो प्रश्न नंबर 20 है आपके, निम्न में से ध्वन्यात्मक विधि का दोष है, जो दोष ध्वन्यात्मक विधि का है उसका चयन 20वें प्रश्न में करना है। तो यह वाचन शिक्षण में उपयोगी होना, वर्ण पर अधिक बल देना, वर्ण ध्वनि को अलग अलग मानना और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों 20वें प्रश्न में राइट आंसर क्या है? ध्वन्यात्मक विधि का दोष आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ध्वन्यात्मक विधि का जो दोष है वो है वर्ण और ध्वनि को ये अलग अलग मानती है ध्वन्यात्मक विधि, इसलिए विकल्प 3 आपके 20वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट 21वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो आपके प्रश्न नंबर 21, तो आपके 21वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना और भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है साथियों। 21वें प्रश्न में आंसर देके अगर हम, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 4, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, ये भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है साथियों। बाकी अपने द्वारा जो बात कही गई है, तार्किक पुष्टि करना उसकी, भाषा का सृजनशील कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, तो ये चीज़ें तो भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में आ जाती है, लेकिन चौथा विकल्प इसमें नहीं आएगा, इसलिए चौथा विकल्प ही आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे, तो आपके 22वां प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखित परीक्षा, अवलोकन, जांच सूची और साक्षात्कार सूची। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो कौन सा है साथियों? 22वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखिए भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण
यहाँ पर रहेगा साथियों आपके अवलोकन, क्या रहेगा अवलोकन, अवलोकन पर आधारित जो आकलन होता है साथियों वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर। इन लिखित परीक्षा से भी महत्वपूर्ण, जांच सूची से भी महत्वपूर्ण और साक्षात्कार सूची से भी महत्वपूर्ण। तो सेकंड विकल्प आपके 22वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। 23वां प्रश्न है, निम्न में से पाठ योजना का अंग नहीं है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जांच कार्य और गृह कार्य। तो जो पाठ योजना का अंग नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 23 में करना है। साथियों 23वें प्रश्न में एक बार अच्छे से प्रश्न को देख लीजिए। जो पाठ योजना है हम उसमें विशिष्ट उद्देश्यों को भी लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य, जांच कार्य और गृह कार्य। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है गृह कार्य, क्योंकि जो पाठ योजना है उसमें गृह कार्य प्रदान नहीं किया जाता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 23 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। साथियों 24वां प्रश्न है, निष्ठा प्रशिक्षण में किसको प्रशिक्षण दिया जाता है, छात्रों को दिया जाता है, अध्यापकों को दिया जाता है, अभिभावकों को दिया जाता है और इनमें से सभी। तो 24वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर होगा साथियों, जो निष्ठा प्रशिक्षण है इसमें छात्रों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है बल्कि इसमें अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा का आयोजन किया जाता है, जिसमें अध्यापकों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चों को किस प्रकार से नवीन विधियों का प्रयोग करते हुए हम सिखा सकते हैं, ये निष्ठा प्रशिक्षण में होता है जो अध्यापकों को प्रदान किया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में चल भी रही है ये चीज़, आपने नाम भी सुन रखा होगा, नहीं तो कभी आप गूगल पर निष्ठा लिख करके देखना, सारी चीज़ें आ जाएगी। साथियों दूसरा विकल्प आपके 24 में सही है। इसमें मेन चीज़ वही है कि भाई अध्यापकों को यही बताया जाता है कि आपको पढ़ाना कैसे है बच्चों को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न, दीक्षा का पूरा नाम क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दूसरा है डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयर, तीसरा है डिजिटल इंट्रोडक्शन फॉर न्यू शेयरिंग और चौथा है डिजिटल इंटरेटिव फॉर नेशनल नॉलेज शेयर। तो साथियों दीक्षा का आपको पूरा नाम बताना है 25वें प्रश्न में, तो इसका सही आंसर देखते हैं। दीक्षा का पूरा नाम है साथियों डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये दीक्षा का पूरा नाम है, ठीक है। तो 25वें प्रश्न में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट 26वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न साथियों 26वां प्रश्न है, अपव्यय पद में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, अप, या अप और इस अप में क्या अंतर है साथियों, इसमें हलंत लगा हुआ है और इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है और इनमें से कोई नहीं। तो 26वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, अपव्यय शब्द का निर्माण अप प्लस वे से हुआ है और अप क्या है, पूरा अप हुआ है, ठीक है, हलंत वाला अप नहीं है साथियों। विकल्प एक आपके 26 का सही उत्तर है। तो चलिए 27वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है, निष्कपट में कौन सी संधि है, जो निष्कपट शब्द है इसमें आपको संधि बताना है। तो एक बार हम इसका विच्छेद करके देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी ये चीज़। साथियों निष्कपट का विच्छेद होगा नीह प्लस कपट, क्या होगा नीह प्लस कपट, बराबर शब्द बनेगा निष्कपट, मतलब इसमें गुण यन या व्यंजन संधि नहीं है बल्कि इसमें कौन सी संधि है साथियों, विसर्ग संधि है। नीह प्लस कपट से निष्कपट शब्द बनता है। तो फोर्थ विकल्प आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे, पीने की इच्छा के लिए एकल शब्द होगा पिपास, पिपासा, प्यास और प्यासा। तो पीने की इच्छा, इसको एकल शब्द में क्या कहा जाएगा, एक शब्द में क्या कहा जाएगा साथियों, तो पीने की इच्छा को कहा जाता है साथियों पिपासा, क्या कहा जाता है इसको, पिपासा कहा जाता है। 28वें प्रश्न में आपके सेकंड विकल्प सही है। अब आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न देखेंगे। कमेंट करके जाना साथियों 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बता कर जाए अपने विचार को, और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर वास्तव में आप सही हो, हालांकि पूरी सावधानी के साथ टेस्ट बनाया जाता है, तो उस त्रुटि में सुधार भी किया जाएगा, हालांकि एकाध त्रुटि से ज़्यादा तो निकल नहीं सकती है साथियों, हालांकि एक भी नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी अपने विचार आप प्रकट कर सकते हो। तो चलिए आज का सेकंड लास्ट मतलब 29वां प्रश्न,
अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ है। प्रभावित करना, उपेक्षा करना, शेखी बघारना और किसी की बात न सुनना। तो अपना रंग जमाना एक मुहावरा है जिसका आपको अर्थ बताना है। साथियों, अपना रंग जमाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वह है प्रभावित करना। क्या है साथियों? प्रभावित करना, कि उसने तो वो जहाँ भी जाता है अपना रंग जमा देता है, मतलब सभी को प्रभावित कर देता है। तो विकल्प एक आपके 29 में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अंतिम और 30वां प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे देखते हैं। तो 30वां और अंतिम प्रश्न है, स्त्री पद में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, स्त्रीवाचक और भाववाचक। तो पहली चीज तो स्त्रीवाचक जैसी कोई संज्ञा का प्रकार होता ही नहीं है। साथियों, स्त्री शब्द, स्त्री पूरे यहाँ पर उसकी जाति का बोध करा रही है, अतः इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा विकल्प आपके 30वें प्रश्न में सही है। तो ये आपके पेपर नंबर 56 कंप्लीट होता है। देखिए, अब आपके 46 टेस्ट आना और बाकी है हिंदी के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले सारे टेस्ट ये जो एंड स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पे टच करके अटेंड कर सकते हो साथियों।